हेलो किसान भाइयों, आपका स्वागत है एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो दो ट्राली खड़ी हुई हैं, जो कि एक हमारी है ये रेड वाली, ये महिंद्रा 585 की है DI सरपंच, और जो ऑरेंज वाली है जो हमारे बड़े भाई की है, जो है कुबोटा 45 की। आप देख सकते हैं दोनों एक ही ट्राली हैं, एक ही जगह से बन के आई हैं। देखिए किसान भाइयों, ये दोनों एक ही ट्राली हैं, एक ही जगह से बनकर आई हैं। इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये दोनों ट्राली मनकेड़ी वाले के यहाँ से बन के आई है। आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये देखिए, इसका निर्माता है राजेश चंद्र एग्रो इंडस्ट्रीज मानकेड़ी वाले तेंदुखेड़ा। इसका वेट कितना है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसकी हाइट कितनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, आप पीछे से भी देख सकते हैं इसको। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें जो पीछे ट्रॉली फंसाने का हुक था उसको हमने रेड वाली ट्रॉली में काट दिया है, क्योंकि जब इसको माल को डंपर को उठाते थे तो माल गिरता था तो वहाँ पर फंस जाता था और वो दिक्कत करता था। आप देख सकते हैं इसके रिब भी दिखाएंगे आपको कितने फिट की है। देखिए इसकी ऐसे में चौड़ाई कितनी है, ये लगभग 6.5 फिट है, 6.5 फिट चौड़ाई है। और आपको इस तरफ से दिखाते हैं हम, इसकी लंबाई है 11 फिट ऐसे में है, लंबाई में और चौड़ाई में लगभग 6.5 फिट है। इसमें 10-0-20 के टायर लगे हैं दोनों ट्रॉली में। आप देख सकते हैं इसका हुक भी अच्छी क्वालिटी का है, इससे हमने ऑर्डर देकर बनवाए थे दोनों ट्रॉली को एक साथ। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये एक हफ्ते पहले बुक कर दिए थे और हमारी जो पुरानी ट्राली थी उसको हमने निकाल दिए थे, तो फिर हमको नई ट्राली की आवश्यकता थी, तो ये 5,000 रुपये ये रेड वाली महंगी आई है। आप देख सकते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, निर्माता भी एक ही है। सनोडिया कृषि फार्म भी आपको दिखता होगा, दोनों में एक सा ही लिखा है, भंडारपुर लिखा है इसमें। ये हमारे भाई की ही ट्रॉली है और ये हमारी ट्रॉली है, लेकिन इसमें भी भंडारपुर लिखा है, क्योंकि उसको समझने में दिक्कत हो गई थी लिखने वाले को कि क्या लिखना है करके। आप देख सकते हैं इसकी हाइट, देख सकते हैं मेरे हाथ से भी ज़्यादा है, लगभग 8 फीट हाइट है इसकी, और यहाँ से यहाँ तक लगभग 29 इंच का ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लगभग 24 इंच का ऊपर है जो हमने टेप से नाप कर देखा है। चलिए आपको इसके अंदर भी चल के दिखाते हैं। आप यहीं से देख सकते हैं ट्राली की चौड़ाई कितनी है और गहराई कितनी है। इसमें दो रीप लगी हैं जो कम माल ले आने के लिए है, और नॉर्मल ले आने के लिए तो ये 29 इंच का है ही, फिर इसमें ये 4-5 इंच की रीप लगी है, फिर उससे ज़्यादा भी माल ले आना है तो ये एक्स्ट्रा रीप लगा सकते हैं। इसमें मक्का लगभग 55 से 60 क्विंटल आ जाता है, गेहूँ भी लगभग 60 से 62 क्विंटल आ जाती है, धान इसमें हमने नाप के देखा था पिछले वर्ष, इसमें 40 से 45 क्विंटल धान आ जाती है, इस इतनी लोडिंग कैपेसिटी है। इसका हुक भी देखिए कितना हैवी है, और आपका इसका पंप भी दिखाते हैं जो दोनों में सेम ही लगा है, ये थोड़ा अंदर साइड है लेकिन इसको हम आपको दिखाएंगे। ये पंप भी है और आप नीचे भी देख सकते हैं इसमें पट्टी लगी है, ये पट्टी बहुत मजबूत होती हैं क्योंकि इन्हीं पे ही लोड आता है चद्दर का। ये पंप के बारे में हम आपको बता दें, इसमें 25 टन लोड उठाने की क्षमता है, जो इसमें मेंशन है कागज़ पे, वो अंदर होने के कारण अभी हम आपको ढंग से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हमने देखा था जब ट्राली बनकर आई थी। ये दोनों ट्राली एक ही साथ आई हैं, एक ही दिन आई हैं, और अभी इसका 1 साल करेक्ट हुआ है दोनों ट्राली का। अभी हमने 22 या 23 सितंबर को ली थी, 26 सितंबर को ली थी,
अभी अक्टूबर चल रहा है, लगभग 1 साल प्लस हो चुका है। दोनों ट्राली में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्राली बढ़िया चल रही हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एड्रेस भी लिखा है, नंबर भी लिखा है, रुपम ट्रेडर्स। लेकिन इसके ऐसे नहीं है कि अच्छियाँ भी हैं, इसके कुछ कमियाँ भी हैं। इसमें जो पेंट क्वालिटी है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। इसमें बिल्कुल कोटिंग नहीं की गई, ये देख सकते हैं आप, ये हल्का सा दब गया है, लेकिन बिल्कुल कोटिंग नहीं की है और डायरेक्ट ही पेंट मार दिए गए हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पर भी देखिए स्टिकर लगे रहने के बाद भी पेंट निकल रहा है। पेंट की क्वालिटी से हमको बहुत नाराज़गी है, क्या कर सकते हैं। अब आ ही गई है तो फिर उसको वापस भी करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि उसको ऑर्डर देते समय भी बोला था कि पेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पुटिंग अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं वो लोग। जितनी भी हमारे इधर ट्रॉली आती हैं, सब ट्रॉली वाले ऐसे ही करते हैं। इसका हुक भी देखिए अच्छा मोटा है, लेकिन इसकी जो हाइट कम है, इसकी जो लैंडिंग की, तो इससे दिक्कत जाती है ट्रॉली को फंसाने में। हमको ट्रॉली फंसाने के लिए इसमें ड्राइवर पट्टी की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो थोड़ा ऊंचा रहता तो ये डायरेक्ट ये हिच पड़ा है, हिच में आ जाता है, और ये ड्राइवर पट्टी की आवश्यकता पड़ती छे। और इतना बताने के बाद हम इसकी कीमत में आते हैं। ये हमको 1,80,000 रुपये की पड़ी थी, ये रेड वाली, और ये वाली हमको 1,75,000 रुपये की पड़ी थी, क्योंकि एक हफ्ता लेट ऑर्डर देने के कारण लोहे का रेट बढ़ गया था। और इसका वेट भी पता देते हैं हम, हमने इस वाली ट्राली को लेके गए थे रेड वाली को धर्मकांटे पे तुलवाने के लिए तुरंत आने के बाद, तो इसका फिक्स 19 क्विंटल वेट निकला है। तो सेम वही मटेरियल, सेम वही चीज़ इसमें भी लगी है, तो सेम ये भी 19 क्विंटल की होगी, क्योंकि हमारे पास इसका बिल भी है जो निकला है वो घर पर है, लेकिन हमने खुद ही निकला के लाया था, हम खुद ही गए थे ट्रैक्टर लेके। खाली ट्राली का वेट है इस, ये ट्राली में अभी ये ऊपर की रिप नहीं लगी है, इसमें भी ऊपर की रिप लगी है लेकिन राइट साइड की नहीं लगी है, आप देख सकते हैं। हमने इसके बारे में अभी संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं, कीमत भी बता दिया, लंबाई चौड़ाई भी बता दिया, और क्या कमियाँ थी वो भी बता दिया। इसमें जो हमने प्राइस बताया उसमें ये टायर भी शामिल है, और ये टायर सेकंड हैंड लगे हैं, फर्स्ट हैंड टायर नहीं लगाए गए हैं। और इसमें कमानी वाली पट्टी नहीं है जो ट्रकों वगैरह में होती है, पहले ट्राली में होती थी, इसमें सैंपल पट्टी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।